स्वर्गीय कामता प्रसाद राय की स्मृति में जिला वॉलीबॉल चैंपियनशिप का रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल ने मैच का उद्घाटन फीता काटकर किया तथा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। जिसके संबंध में महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया कि स्वर्गीय कामता प्रसाद राय की स्मृति में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के दो टीम ने मिलकर खेला। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो अपने किसी परिवार के नाम पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। वहीं स्वर्गीय कामता प्रसाद राय के बड़े पुत्र गजेंद्र राय ने बताया कि यह वॉलीबॉल प्रतियोगिता मऊ जनपद में स्टेट चैंपियनशिप होना है, उसी उपलक्ष्य में स्वर्गीय कामता प्रसाद राय की स्मृति में जिला चैंपियनशिप प्रतियोगिता किया गया है। इस प्रतियोगिता में जनपद के खिलाड़ी प्रतिभाग किए, इनमें से टीम सिलेक्ट करके जिला मऊ में स्टेट चैंपियनशिप प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल ही ऐसा ग्राउंड है जहां पर एकता और शरीर का विकास होता है और खेल से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जितना लड़कों का महत्व होता है उतना ही लड़कियों का भी महत्व होता है, लोगों को लड़कियों को भी खेल के ग्राउंड में लाना चाहिए। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, भाजपा नेता भानु प्रकाश मिश्रा, धर्मशाला पार्षद बबलू प्रसाद गुप्ता, पार्षद अजय राय, थाना कैंट प्रभारी शशिभूषण राय सहित अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए स्वर्गीय कामता प्रसाद राय के पुत्र गजेंद्र राय एवं महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा। लेकिन आपको कई जगह जाना है, उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री बैजनाथ मिश्रा जी से क्षेत्र में हो रहा है वो भी निकल रही है 104 सबको अच्छा तो उत्तर पर आगम का दुकान है। सब लोग से हम निवेदन है, अनुरोध है, पर पुष्पांजलि अर्पित करके रुक जाइएगा बाबूजी, ठीक है ठीक है, निकालिए हाथ हटाइए, बस इसे खोलिए छोड़िए। इतनी आठी है सर, अभी हम अरे एक ही बात कितना दिन से खेलते हो बार आप स्मैश कौन करता है कितना दिन से खेलते हो आपके पूरे कार्यकाल से बेचारा खेल रहा बढ़िया रहेगा और नेट में मार बाल मारते हैं बहुत अच्छे और बहुत ही सुंदर बाल बाल सुंदर सर्विस और बाल को रिसीव हुई और ये सुंदर सर्विस और बाल को रिसीव किया और गड़बड़ी हुई है और
बहुत ही अच्छा पास गोलू का और उसने जो जहांगीर भाई के बहुत ही अच्छा बाल बनते हुए काउंटर खिलाड़ी को लेकिन ये बहुत और ये बहुत ही अच्छा सात चौदह प्लेसमेंट दिया गया मेरा नाम गजेंद्र राय है। ये मऊ जनपद में स्टेट चैंपियनशिप होने वाला है, उसी उपलक्ष्य में स्टेडियम में आज जिला चैंपियनशिप प्रतियोगिता हो रही है। स्वर्गीय कामता प्रसाद राय जो पुलिस विभाग इंस्पेक्टर थे और वीर गति को प्राप्त हुए शहीद हुए थे उन्हीं की स्मृति में ये वॉलीबॉल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी प्रतिभाग किए हैं और इन्हीं में से टीम सेलेक्ट होगी जो गोरखपुर जिले तरफ से जो मऊ में स्टेट चैंपियनशिप होने वाला है उसमें प्रतिभाग करेगी और प्रतियोगिता समापन किया जाएगा। मैं स्वर्गीय कामता प्रसाद राय, मैं उनका पुत्र हूँ और मैं भी पुलिस विभाग में ही हूँ और पिताजी की स्मृति में ही यह आयोजन किया जा रहा है। आयोजन मकसद यह है कि एक खेल ही ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर लोगों में एकता का विकास होता है, आपसी समझता का विकास होता है और इसके लिए ये खेल से बढ़कर कोई स्थान नहीं हो सकता है। क्या देना चाहेंगे बाकी बाकी हम सबसे कहेंगे कि यह हम आयोजन लड़कियों के लिए भी है, लोग लड़कियों को पर्दों के पीछे रखते हैं, ग्राउंड नहीं लाते हैं। आप अपने जितना लड़कों को महत्व दे रहे उतना लड़कियों को महत्व दीजिए ताकि वो भी खेल के मैदान में आएँ और अपना एक स्थान प्राप्त कर सकें। रीजनल स्टेडियम में कमता प्रसाद राय जी के स्मृति में यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें होनहार खिलाड़ी गोरखपुर के दो टीमों में बंट करके एक खेल रहे और ये वॉलीबॉल गेम कल तक चलेगा, कल समापन होगा। इसमें हमारे मुख्य रूप से एसपी सिटी साहब, हमारे पार्षद यहाँ पर क्षेत्रीय पार्षद राय जी छठेलाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और आयोजक धीरेन्द्र राय जी जो गोलघर उप चौकी इंचार्ज हैं और तमाम हमारे पुलिस के अधिकारी छठ घाट पर इतनी मेहनत किए हैं और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी खिलाड़ियों को, पुलिस प्रशासन को और आयोजक मंडल को बहुत बहुत बधाई शुभकामना। एक बहुत ही अच्छी बात है, योग्य पुत्र अपने परिवार के किसी न किसी व्यक्ति के नाम पर किसी कार्यक्रम का आयोजन करता है, ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं और मैं धीरेन्द्र राय जी को तारीफ करूंगा कि अपने पूर्वजों की स्मृति में इस तरह का गेम करा रहे हैं। ये सभी को इस तरह का आयोजन करना चाहिए जिससे पूर्वजों का सम्मान बढ़ता है, परिवार में एकता बढ़ती है, समाज में एक अच्छी पहल होती है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।